दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों टेक्सटाइल का मेला लगा है। 26 फरवरी को पीएम मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया था। ये आयोजन कपड़ा क्षेत्र से जुड़े विश्व स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। कहते हैं कि पहनावा किसी के व्यक्तित्व को झलकाता है और उस पहनावे के पीछे की कहानी क्या है, इस कहानी को समझने के लिए आपको समझना होगा कि किस तरीके से उस पहनावे को यानी कि उस वस्त्र को तैयार किया जाता है। दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों टेक्सटाइल का महाकुंभ लगा है। वस्त्र कथा के माध्यम से मिनिस्ट्री की तरफ से टेक्सटाइल एक्सपो हब का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया था। 26 फरवरी से शुरू हुआ ये आयोजन 29 फरवरी तक चलेगा। पीएम मोदी ने इसे भारत और विश्व को एक धागे में पिरोने वाला बताया था। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। मंत्रालय का विजन भी एकदम क्लियर है। विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को और बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। इस पूरे एक्सपो में 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर मुख्य फोकस रखा गया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5F पे इंडिया को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और 5F जो उनका विजन है, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को कवर करता है। और इंडिया में ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल चेन मौजूद है। हमारे यहाँ पे नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर दोनों ही अवेलेबल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक एग्जिबिटर्स, 3000 बायर्स और 40,000 ट्रेड विजिटर्स शामिल होने के लिए एक साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये आयोजन कई मायनों में यूनिक है। पहला ऐसा इवेंट है जो साइमल्टेनियसली दो वेन्यूज पे हो रहा है, भारत मंडपम में भी हो रहा है और यशो भूमि में भी हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ स्केल, इसका स्केल जो है भव्य है, अद्वितीय है। कैसे? 22 लाख स्क्वायर फीट एग्जिबिशन एरिया इसमें इंक्लूडेड है। अगर स्कोप की बात करें तो एंटायर वैल्यू चेन, जो 5F वैल्यू चेन है, उसके सारे एलिमेंट्स। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने 5F का जिक्र किया था। 5F की ये यात्रा फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से होते हुए फॉरेन तक जाती है। विकसित भारत बनने में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत बिल्कुल है, विकास भी है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता जो है ना, वो हमारे इस ट्रेड को तो पक्का विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है कि अब हमारे ट्रेड को वो किसी ऊंचाइयों पे लेके जाए। विश्वास अब इन्वेस्टर्स का भारत की तरफ बढ़ रहा है और बूम मिलेगा आने वाले समय। मिलेगा, 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। और जो दिख रहा है सामने, वो हमें खाली बातों की बात नहीं कर रहे, दिख रहा है और आगे होने वाला क्या है हम समझ रहे हैं उसका। इस एक्सपो में 4T यानी कि ट्रेडिशनल, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस रखा गया है। ये कार्यक्रम टेक्सटाइल इकोसिस्टम के मेंबर्स को आपस में मिलाने और विचार शेयर करने का एक मंच बनाया गया है। प्रगति मैदान भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा एक्सपो, टेक्सटाइल एक्सपो लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति कला को तो दर्शाता ही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो 5F की बात की है उसको भी यहाँ पर साकार करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि भारत के जो कपड़े हैं वो विदेशों में जाकर अपनी पहचान बनाए और तेजी से भारत विकास की ओर और भी ज्यादा तेजी से बढ़े। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रचना, News 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं News 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।